लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तेलंगाना में कांग्रेस के 8 विधायक सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल हो गए। 8 विधायकों के अलावा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मानिक कृषक भी टीआरएस में शामिल हो गए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को पार्टी के 8 विधायकों ने सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़ टीआरएस में शामिल हुए विधायकों में अत्ताराम सुक्कू, रेगाकांता राव, हरिप्रिया नायक, चिरुमूर्ति लिंगया, पी सविता इंदिरा रेड्डी, डी सुधीर रेड्डी, उपेंद्र रेड्डी और विनम्मा वेंकटेश्वर राव शामिल हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में 119 में से केवल 19 सीट जीते थी। अब 8 विधायकों के टीआरएस में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस पर मुख्य विपक्षी पार्टी की हैसियत खोने का भी खतरा है। इसके लिए पार्टी के पास विधानसभा सदस्यों की संख्या 10% यानी 12 विधायक होनी चाहिए। कांग्रेस ने टीआरएस पर दल बदल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और इस सिलसिले में राज्यपाल से मुलाकात भी की है। कांग्रेस विधायक दल की नेता एम भट्टी विक्रमा का कहना है कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास विपक्ष के सवालों का जवाब देने का साहस नहीं है। इन विधायकों के अलावा तेलंगाना कांग्रेस के महासचिव मनिक कृषक भी टीआरएस में शामिल हो गए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में विधायक टीआरएस में शामिल हुए हों। केसीआर के मुख्यमंत्री पद के पहले कार्यकाल के दौरान भी टीडीपी के 15 विधायकों में से 12 विधायक टीआरएस में शामिल हो गए थे। अंकुश चौबे, गो न्यूज़।